बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का केक। उसके लिए मैंने एक गिलास चीनी का लिया है और तीन मैंने अंडे लिए हैं। ये मैंने ब्राउन शुगर ली है। अंडों को और शुगर को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इस तरह से अंडों को और शुगर को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं उसमें डाल दूँगी एक गिलास मैदे का और उसमें मैंने मिक्स किया हुआ है एक टीस्पून बेकिंग सोडे का। इस तरह से छान के डालना है। इस तरह से जो केक है वो बड़ा फ्लफी बनता है। अब मैंने आधा गिलास डाल दिया है इसमें ऑयल का। और तकरीबन एक कप था गाजर का। गाजर को मैंने पहले बॉयल किया था और फिर मैंने उनको मैश किया है, वो भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इनको बगैर बीटर चलाए इसी तरह से ना मिक्स करूँगी। अब मैंने सब कुछ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मैदा है उसकी गुठली वगैरह अंदर ना रहे। अब जो केक का जो सांचा था वो मैंने पहले ही तैयार किया हुआ था लेविन पे जो बेकिंग शीट लगा के। तो अब जो केक का बैटर है वो मैंने डाल दिया है उस सांचे में। और इसको मैं रख दूंगी अब ओवन में 180 पे। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है, आप गैस का जो ओवन है अगर आपके पास गैस का ओवन है तो उस हिसाब से आपने टेम्परेचर रखना है। इसको मैं 30 मिनट दूंगी। आप इस तरह से अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप देगचे में भी जो केक है इस तरह से बना सकते हैं चूल्हे के ऊपर। इस तरह से मैं गाजर का केक बना रही हूँ। इस तरह से आप सेब का बना सकते हैं, आप पाव का बना सकते हैं, जो नाशपाती होती है उसका बना सकते हैं, केले का बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। बस यही है कि आप मैंने गाजर डाली है तो आप जो भी फ्रूट चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब जो बर्तन जमा हुए हुए थे मैं उनको धो रही हूँ। साथ साथ मेरा केक जो है वो बन रहा है और साथ जो बर्तन पड़े थे वो भी मैं धो रही हूँ। जब भी किचन में काम करें तो जो किचन है उसमें मैस नहीं होना चाहिए। साथ साथ अगर हम सब लेते रहें चीज़ें तो किचन जो वो भी साफ सुथरा रहता है, मैस नहीं पड़ता।
भी नहीं क्या इलेक्ट्रिक ओवन हो तो फिर ही केक बन सकता है। आप चूल्हे के ऊपर डेगची में भी केक बना सकते हैं, उसमें बिल्कुल इस तरह से बनता जैसे ओवन में बनता है। अब 30 मिनट हो गए थे केक को अंदर रखे हुए, अब मैं उसको निकालूंगी और चेक करती हूँ कि तैयार हुआ है कि नहीं। इस तरह से आप कोई छुरी ले लें, कोई जो भी आपके पास हो तो उसको अंदर डालें। अगर वो साफ निकल आई तो इसका मतलब है कि जो केक है वो पक के तैयार हो गया है। अब मैंने इसको प्लेट में पलट दिया है, ऊपर से ऊपर जो बेकिंग शीट थी वो मैं इसको उतारती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार जो केक है वो बन के तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही स्पंजी बना है। यहाँ मैं बना रही हूँ इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने ये बटर लिया है 150 ग्राम, और कोई 1.5 तकरीबन 1.25 ग्लास मैंने लिया है आइसिंग शुगर का। उसमें मैंने ये डाला है, पहले मैंने शुगर को और बटर को अच्छी तरह से मिक्स किया है, उसके बाद मैंने डाला है उसमें क्रीम चीज़। अब मैंने स्प्रेड कर रही हूँ केक के ऊपर। ऊपर मैंने डाल दिए थे वो कोकोनट फ्लेक्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरेट केक जो है वो बन के तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी कैरेट केक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें।